एक्सक्लूजन टेक्निक लिमिटेड एक बेहतरीन प्रीमियर मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, कंपनी एक्सक्लूजन प्लांट्स बनाती है प्लास्टिक प्रोसेसर्स, जो कि देखिए इतनी बड़ी कंपनी है कि 14,300 इंस्टॉलेशन इन्होंने वर्ल्ड वाइड किए हैं, 91 कंट्रीज में इनके एक्सपोर्ट्स है, एशिया, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सारी जगह, और बहुत ही जबरदस्त ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है, 1962 से ये कंपनी कार्यरत है, और कॉलसाइट ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये पार्ट है, काबरा एक्सक्लूजन नहीं है, प्लास्टिक ब्लेंड्स जो कि मैंने जेम्स में भी दिया और काफी बार स्टॉक के बारे में चर्चा किया हुआ, ये स्टॉक इसी कंपनी की ग्रुप का पार्ट है, फिर महाराष्ट्र प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रीज जो कि पीपी स्ट्रैपिंग में, बॉक्स स्ट्रैपिंग में सबसे बड़ी कंपनी है, और प्लास्टिक ब्लेंड्स भी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है कलर एंड एडिटिव बैचेस का। तो इस तरीके की ग्रुप पेडिग्री वाली कंपनी है और 1962 से कंपनी कार्यरत है, और एक छोटा सा ऑपरेशन था सुजीत ताड़देव जो आज के दिन में कॉर्पोरेट हब बना हुआ है, बहुत ही क्राउडेड, वो वहां पे एक छोटी सी 800 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री से वहां से कंपनी शुरू हुई है और आज बहुत बड़ी कंपनी है, और जिस तरीके के प्रमोटर का बैकग्राउंड है, प्रमोटर मिस्टर एसवी काबरा जी भी पिछले 5 डिकेड से इस पर्टिकुलर बिजनेस में है और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी इस कंपनी के एमडी इनको मिला हुआ है काबरा जी को 2013 में, तो इन सब से बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस आता है। अब मैं बात करता हूं पेडिग्री और फंड बाकी चीजों के बाद, बैकग्राउंड के बाद अब फंडामेंटल्स पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है, डिविडेंड यील्ड 1.25% के लगभग है और पिछले 3 साल में 8-9% के लगभग ग्रो करी, और मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगती है सरकार मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, पीएलआईज वगैरह जिस तरीके से आ रहे, तो जो मशीनरी बनाने वाली कंपनियां और इंडिया की कंपनियां हैं उनको भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और इनको बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। और मैं देख रहा था रिजल्ट्स मार्च 2020 के सामने मार्च 2021 में जबरदस्त प्रॉफिट से 13 करोड़ का पैट था, 6-6 करोड़ दोनों लास्ट 2 क्वार्टर्स में कमाई है कंपनी, और मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को यहाँ पे लेना चाहिए। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख रहा था तो वहां पे FIIs DIIs का भी बहुत ज्यादा स्टेक तो नहीं है, बट कुछ नामचीने इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है और ओवरऑल प्रोमोटर की स्ट्रॉन्ग 59% स्टेक है। सो ओवरऑल इस स्टॉक को ले, मैं रेटिंग्स देख रहा था तो रेटिंग से भी कॉन्फिडेंस और आता है, वो A1 के लगभग की रेटिंग है क्रिसिल की, विच इज वेरी गुड, और ग्लोबल कोलैबोरेशन कंपनी के बहुत सारी कंट्रीज की, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फिनलैंड की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसराइल, उनसे इस कंपनी का ओवरऑल काफी कोलैबोरेशन है, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल और आराम से 250 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6-9 महीने के।